बापू की दिव्य लीलाएं चैतन्य चैतामृत से हम बापू के हृदय को देखेंगे। हाँ रहता है भगवान चैतन्य बापू बोलते थे मोर मौन वृंदावन, तो ये वृंदावन धाम कितना अद्भुत है, कितना महिमाजनक है। तो वृंदावन धाम की उत्पत्ति एक शुद्ध भक्त के हृदय से होती है। कैसे होती है वृंदावन धाम की उत्पत्ति, कैसे होती है शुद्ध भक्त के हृदय से। वृंदावन मतलब, वृंदावन का मतलब होता है वो स्थान जहाँ केवल सब लोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। वो जगह क्या बोली जाती है वृंदावन, जिस स्थान में सब लोग का मन में एक ही चिंतन है। इस दुनिया में सब लोग के मन में एक ही चिंतन है, समझ रहे, सब लोग केवल एक ही चिंतन करते हैं, समझ रहे, अहम ममेति, मेरा क्या होगा, मेरे को क्या मिलेगा। 99% लोग इस दुनिया में यही चिंतन करते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ होगा, करते कि नहीं। कौन तो बताया, सबसे फेमस एफएम चैनल कौन सा है, WIIFM, What's in it for me? सबसे फेमस चैनल एफएम कौन सा चैनल है? हाँ धीरे से, हाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ WIIFM का? ध्यान से क्लास सुनना पड़ेगा, मैं तुरंत अभी बोला था इसको, इसलिए कल्लुक में देखी, मैं बोला इसको याद ही नहीं, अभी बोला था, रिकॉर्डिंग में दिखाऊं। सबसे फेमस है चैनल क्या है आयुष? अभी क्या बताया मैंने, सबसे फेमस है चैनल, सुना था कि नहीं? नहीं सुना, अरे वाह, स्पीड कम कर, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। यार अच्छा ठीक है, एक और पूछता हूँ, समझ रहे, हाँ करण क्या है सबसे फेमस है? मैंने बताया था अभी WIIFM, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? गुड गुड गुड, उसके बाद ठीक है, बता धीरे, मैं मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। WIIFM, W देखिए, अगर आपको समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मैं पूरा क्लास खत्म कर दूं और आपको समझ में नहीं आए। तो WIIFM का मतलब हुआ What's in it for me? क्या धीरज, क्या समझा? तो सबसे फेमस एफएम चैनल कौन सा हुआ? वेरी गुड, तो इसका मतलब क्या हिंदी में? हाँ तो ये सबसे फेमस, मन में यही चलते थे, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, समझ रहे। और जब तक आपके मन में ये चलेगा कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको मिलेगा, समझ रहे। लेकिन जब ये चैनल को ट्यूनिंग आप बदल देंगे कि कृष्ण, इससे कृष्णा को क्या मिलेगा, चैनल की ट्यूनिंग आपकी बदल जाएंगी और आप सोचेंगे मेरे इससे कृष्णा को क्या मिलेगा, तो कौन सा चैनल बढ़िया है? मेरे को क्या मिलेगा वो ज्यादा सोचना अच्छा है कि कृष्णा को क्या मिलेगा वो सोचना अच्छा है? क्या क्या फायदा है इसमें? हम अगर ये चैनल में सोचते हैं कि कृष्णा को क्या मिलेगा, तो इसमें क्या फायदा है? मान लीजिए मैं प्रसाद के लिए जा रहा हूँ, हाँ अब फीस्ट है, मुझे क्या क्या बढ़िया सा आइटम मिलेगा, और मैं सोचूं कृष्णा को क्या क्या अच्छे से मिलेगा, उससे कौन सा ज़्यादा बढ़िया चैनल है? आप लोग बोल रहे हैं कृष्णा वाला, कैसे कैसा सांगू, कैसे कृष्णा वाला चैनल अच्छा है, मतलब प्रैक्टिकल कुछ बताइए।
अच्छा ठीक है सर। प्रभु जी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मतलब वो एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन लगता है कि जैसे आप खुद के मतलब वो कुछ आइटम देखें और खुद खाने में लगे तो प्रभु जी वो मतलब इतना पेट खराब हो जाता है। आप तो एकदम प्रैक्टिकल रियलाइजेशन के साथ होते हैं। ओके बट किसी का तो पेट मतलब नहीं अपना दे दिया मान लीजिए वो और उसका फिर बेचारा भूख से पेट खराब हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है आप कृष्णा के प्लेजर के लिए कुछ किया और आपको नुकसान हो गया, समझ रहे हैं? ऐसा भी होता है कभी कभी कृष्णा के प्लेजर के लिए कि अच्छा भी हो गया, बट कभी कभी ऐसे से एक एक्टिविटी बताया थे कल, अब वो बेचारे गोलपुरा फेस्टिवल इतना बिजी हो गए, कांग्रेस लीडर थे तो बेचारे को एकदम समय नहीं मिला कुछ करने का, तो घर का बिल आया 5 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी का, तो घर जा ही नहीं पाए, वो इसमें थे वो तो हमारे समीरपुर, तो बेचारे पूरा इतना बिजी सेवा में मतलब, तो ही डिडंट गो टाइम टू गो टू हाउस ऑल्सो। 5 तारीख को बिल आ गया, लास्ट डेट था पे करने का, और तो बहुत दिन से गए नहीं थे घर, तो उनको पता नहीं चला, और उस दिन नहीं देने से वो बिजली काट दिया था मतलब कुछ तो शायद, तो फिर वो तो नहीं दे पाया जो भी। तो 7 तारीख को एक्टिविटी से डिस्कस करते शाम को, तो डिवोटी बोले मुझे मेरा एक कॉन्टैक्ट होता उस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, तो मैं उसके थ्रू बात करके धीरे धीरे करवा दूंगा आपका काम, मतलब कुछ तो मतलब सॉल्यूशन आपको ठीक हो जाएगा। तो फिर वो जब बात की तो पता चला वही आदमी उसके घर गया, समझ रहे, जिससे उनका कॉन्टैक्ट था वही गया था उनके घर, बोला भाई कोई टेंशन नहीं आप बस बताइए हम सब ठीक कर देंगे। हो सकता है उसमें ऐसा क्या हो सकता है, ये इस आदमी को बोले वो फिर खोजेगा कौन है, मतलब फिर पता चलेगा उसको बोलेगा भाई ठीक करो मतलब, तो लेकिन निकल गया वही आदमी जो उसके घर गया था वही आदमी से कॉन्टैक्ट, मतलब वो कुछ नहीं करना पड़ा। तो ऐसा भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कृष्णा का सेवा करके नुकसान हो गया, समझ रहे हैं? हम लोग मान लीजिए किसी और डिवोटी को सीट दी अपना, समझ रहे हैं? और हम मान लीजिए मतलब बहुत ठंडा था, हमारे पास एक ही कंबल था, वो भी कंबल उसके पास भी नहीं था, हमने अपना कंबल उसको दे दिया, और हम रात भर ठंड में हमको नींद भी नहीं आया और जाड़ा मार दिया, फिर बुखार हो गया, बीमार हो गया, कृष्णा की सेवा की और क्या हुआ बीमार। अब लगे अगले बार से प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो क्या करें, कृष्ण की सेवा को करके फायदा है कि WFM में फायदा है कि WFK, तो मुझे कौन सा बढ़िया। तो फिर मैं बीमार कैसे पड़ गया, रात भर में कंबल दूसरे को दिया, मैं ही बीमार हो गया। वेरी नाइस हरी वो इतना आसानी से नहीं देंगे, लेकिन कभी कभी मैं चपाती मेरे को साइनस का प्रॉब्लम पहले बहुत ज़्यादा, तो मैं राइस खाता तो मेरे को सर्दी, मैं अभी तो ठीक हो गया, तो बंगाली हो गया मेरा था, अब चपाती खा लिया एक दिन बिहार तरफ था मैं एक दिन, तो सुबह भी चपाती दे दिया घर में, रात को भी चपाती दे दिया, समझे, सुबह भी शाम प्रोग्राम में मैं चपाती खा लिया, चपाती था, शाम को मैं चपाती खा लिया तो अगले में पेट खराब हो गया। मैंने देखा कि भाई हम बंगाली हो गए, चपाती दिन भर नहीं खा सकते, राइस दिन भर खा सकते, बंगाली का कैसा है 3 बार राइस खिलाओ तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं, समझ रहे, नहीं 3 बार चपाती खा लिए तो फिर तो प्रॉब्लम किया का सही कथा बोल सकते। तुम तो तुम भी हाइब्रिड हो गए, तुम्हें हाइब्रिड वैरायटी खाटी बंगाली दाए।
उसका पिताजी भगवान सोनूपू के पिता के इफेक्ट से, समझ रहे, पिछले बार दवाई दिए थे तो ठीक हो गया, तो अभी उनके फॉलोअर बन गए तो कल हमको बताए थे पिता जब मिलते पकड़ लेते पलाश का बहुत पौधा हो रखा अभी जी, सोना है सोना, अगर 2 किलो हमको दे देगा उसे आधा किलो सोना निकाल देगा उसे यार अपने नहीं चाहिए हमको बोलते सबका चश्मा उतरवा रहा है सबका चश्मा उतरवा रहा है 10 से 12 तो अभ्यास करो, देखो रात को 10 से 12 देख बोलो हम लोग अंदर ही अंदर सब चंद्रमा दिखता है, सोने दीजिए तो मेरे को बोलते कि सबका चश्मा उतरवाना है प्रभु जी, क्या चश्मा लेके घूमता है लोग, कितना रिलीफ होगा चश्मा बिना, तो क्या इलाज बताया याद नहीं बट कुछ तो बोल रहे थे वो, बोला हाँ सही बात है सही बात, चश्मा उतरवाना है सबका प्रभु जी, ये चश्मा लगा क्या फायदा, कितना फ्री हो जाएगा, बोले बात तो सही है चश्मा पहनता है कितना भी सारे ट्रबल है फ्री हो जाएगा, हम बोले हमको शरीर उतरवाना है सबका, समझ रहे सबका शरीर निकलवाना हमको आत्मा के लेवल पे रहे, क्या भूख प्यास में फंसा रहता है समझ रहे, आत्मा के लेवल पे रहेगा सब लोग तो अच्छा। देखिए हम उस दिन गौर पूर्णिमा के दिन सुबह 2 बजे से रात को 10 बजे तक एकदम नॉन स्टॉप आत्मा के लेवल पे काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया है, बोले वो तो आप ठीक क्या बोल रहे पूजी हो वो सब इतना बढ़िया थे सब तो पॉइंट इज द रियल बेनिफिट इज कि शरीर इटसेल्फ चश्मा तो एक बंधन है, चश्मा तो क्या है समझ रहे, तो चश्मा को हम बंधन फील करते हैं कि ये निकल जाए तो कितना अच्छा रहेगा नेचुरल देख सके, तो वैसे नेचुरल शरीर, शरीर के द्वारा हम काम कर रहे हैं इसमें कितना प्रॉब्लम्स है, रोज शरीर को साफ करो, शरीर क्या है असत अचित निरानंद, एवरी डे इट्स डिकेइंग, हाँ कि ना, एवरी दुख ही देता है शरीर, हाँ कि ना, समझ रहे, आत्मा के लेवल पे आ जाएंगे तो हमको तो कोई डर ही नहीं लगेगा, कल सुबह सुबह बाइक से जा रहे थे स्कूटी से कैसे जब मैं सुन पूछा तो कुत्ता भौंकने लगता और लगता है मार देगा, समझ रहे कोई कोई चेस कर देगा कुत्ता आपको तो डरा देगा, समझ रहे तो अगर आत्मा के लेवल पे रहेंगे डर लगेगा, कुत्ता भोगे बोले हरे हरे कृष्ण, समझ रहे सांप वाप पकड़ लेंगे बोले हरे कृष्ण, बोल को टेंशन क्या तुम क्या कर लेगा मेरा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, लेकिन अभी शरीर है तो कितना डर लगता है, समझ रहे तिरुपति चढ़े तो ठंडा लगने लगा था तो लग रहा था आत्मा होते तो कितना, बोले आत्मा तो है ही, मतलब आत्मा के स्तर पे होते तो कितना, समझ रहे सुबह में एकदम ठंडा सनसना दिया था याद, समझ रहे तो आत्मा के स्तर पे तो कितना ये तो खाने का प्रॉब्लम, 3 बार खाओ, समझ रहे वृंदावन यात्रा में 4 दिन 0 पैसा लेना पड़ेगा, आत्मा है उड़ के चले जाएंगे वृंदावन, समझ रहे फट फट फट, खाने का कोई टेंशन नहीं, आत्मा को कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे एकोमोडेशन की जरूरत नहीं, यमुना तट पे रहेंगे, समझ रहे नहीं शरीर के स्तर पे सोचना पड़ता है सब भाई कैसे कहाँ रहेंगे थोड़ा देखना पड़ेगा, तो शरीर के लेवल पे कितना प्रॉब्लम, तो वन हु प्लीजेस कृष्णा, ये बहुत जगह पे वर्ड आता है, प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि अगर कोई कृष्ण को प्लीज करता है तो ये अहम ममेती से ऊपर उड़ जाता है, इज अ डिस्टिंक्शन, ये मेरा फ्रेंड है ये मेरा एनमी है ये सबसे ऊपर उड़ जाता है, समझ रहे प्रहलाद महाराज अपने गुरु को बोल रहे हो संडम रखे सबको कि आप जो सिखाते हैं मेटेरियल ज्ञान इससे आप लोग बस दूसरों में दोष देखना सिखाते हैं, ये अच्छा है ये मेरा सेंस गेटिव करता है इसलिए मित्र है, अरे ये मेरा सेंस गेट नहीं देता है ये मेरे को इंद्रतृप्ति नहीं देता तो मेरा दुश्मन, या जीवन में कोई भी आदमी जब जब सेंस गेट देगा तब फ्रेंड है और वही आदमी जब सेंस गेट नहीं देगा तो दुश्मन है, इस दुनिया का ऐसा ही बस, समझ रहे
आज आप किसी को फेवर दोगे, आपका आपका आप बोले बहुत अच्छे बहुत अच्छा, कल फेवर नहीं दोगे क्या बेकार है कि नहीं? ऐसा दुनिया नहीं है क्या? हाँ ऐसा ही दुनिया है कि कोई और दुनिया भाई? आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पे इतना आगे के विश्वास ही नहीं हो रहे समझ रहे, क्योंकि आप लोग तो स्पिरिचुअल लेवल पे, हम लोग तो मतलब ना कोई कंप्लेन करना है ना कोई डिमांड है समझ रहे, लेकिन बाहर के लोग का यही रिलीजन है, अगर उसका सेंस गाइडेंस पूरा करोगे तो आप फ्रेंड हो, फेवर करो फ्रेंड हो, नहीं करोगे तो आप उसके ए कार्तिक खड़ा हो जाओ, वो नींद आ रहा है तो नहीं तो आँख बंद करके मत सुनो, खुल के सुनो समझ रहे, थोड़ा हमको भी एंथुजियाज्म दो आँख खोल के, उतना समाधि लेवल पे जाओगे तो समझ रहे, हमको कैसे पता चलेगा कि तुम सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है समझ रहे, तुम सिद्ध पुरुष है वो तो अलग बात है समझ रहे, लेकिन क्या बताया था मैं आँख बंद करे करे कभी कभी दुनिया में चले जाएंगे पता नहीं चलेगा समझ क्या बताया था मैं हाँ तो ये इच्छा से सेवंथ कैंटो से सिक्स चैप्टर में आता है कि ये जो इच्छा है मेरा आदमी उसका आदमी सब ये सब चीज़ जो चेतना मतलब के जो प्रॉब्लम्स है इससे ऊपर उठ जाता है, और गीता में भी ये श्लोक आता है कहाँ पर गीता में न सोचे ब्रह्मबुद्ध पसंद आत्मा न सोचती न, लेकिन ये पीसफुल हो जाते हैं आप समझ रहे हैं ठीक बात है, और उसके बाद भक्ति प्राप्त होते, भक्ति प्राप्त करने के बाद क्या होता है एक श्लोक और, अरे बहुत बार डिस्कस किया श्लोक पे 14.26 क्या श्लोक है, विचारेण भक्ति योगेण सेवते, तो बोल रहे जो मेरी भक्ति करता है माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेण सेवते सगुणान समतीतेता ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है अव्यभिचारी, कैसी भक्ति अव्यभिचारी तो माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेण सेवते सगुणान समतीतेता अंदर जाओ शुभम, तो सगुणान समतीतेता ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब माम च अव्यभिचारेण, तो दो तरह की भक्ति है व्यभिचारी भक्ति और व्यभिचारी स्त्री, मतलब जो अपने पति को छोड़ के और किसी में मन लगाती है उसको बोलते हैं व्यभिचारी स्त्री, व्यभिचारिणी मतलब पति को छोड़ के या पति की सेवा के लिए उसके उसके शादी नहीं करती है, पति से कुछ साड़ी ला के दो ये ला के दो बोल समझ रहे, अरे एक स्त्री उसका फोकस रहता है पति को कैसे प्लीज करे, और दूसरी स्त्री का फोकस है कैसे पति से हम कुछ ले समझ रहे, पति में मन नहीं लगाती, तो माम जो अव्यव जो भगवान अव्यभिचारी ने भक्ति करते जिसको भगवान कृष्ण कुछ भगवान कैसी सेवा करे, तो भगवान से कुछ मांगते नहीं तो क्या फायदा भगवान के पास जाने का, दुनिया में कोई किसी के पास जाता कुछ फेवर मिला तो अच्छा है ना, लेकिन आप जब कुछ नहीं मांगते भगवान से, भगवान बस सेवा करनी और कुछ नहीं चाहिए आपसे, तब भगवान क्या उसको सबसे वैसे आप ही बताए, कोई आदमी आपके पास आए आपकी बहुत सेवा कोई आदमी आपके पास आए आपकी बहुत सेवा करे और आप कुछ देना चाहे उसको लेकिन ले ही नहीं कुछ, क्या 100 रुपया ले ले 1000 रुपया ले ले 1,00,000 रुपया ले ले आप, या तू मेरे से मेरा तो गाड़ी देता हूँ बंगलो में, किसी ने अपनी लाइफ बचाई है एंड यू वांट टू गिव हिम समथिंग इन रिटर्न, 5 लाख ले लो 10 लाख ले लो गाड़ी ले लो बंगलो, कुछ नहीं लेना चाहता बस आई एम जस्ट वांटेड टू सर्व यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर सर्विस, बोला कुछ तो लो, बोला गिव मी मोर अपॉर्चुनिटी टू सर्व, गिव मी मोर अपॉर्चुनिटी टू
अगर ऐसा इंटरेक्शन होगा आपके साथ तो आप कैसा लगे, क्या बोलोगे आप उसको, कुछ ले ही नहीं रहा तो। यस नितिन, अब बोलो फिर मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को ही देता हूँ तुमको, समझ रहे, मतलब आप बिक जाते हो कि भाई ही इज नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम मी, मतलब मतलब व्हाट कैन आई डू, मतलब तो ये जस्ट लुकिंग की कुछ तो कर दो उसके लिए। तो जब कोई ऐसी भक्ति करता है वहां से कुछ नहीं जमा, सब जेन्युइनली ऐसे कोई करता है तो भगवान बोलते मैं उसको एक गिफ्ट देता हूं, सगुणान समति देता, सगुणान समति देता, ब्रह्म भूयाय कल्पते, मैं उसको ये जो तीन गुणों का जो बंधन है जो कि बोला गया है बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम माम प्रपते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी लोग भी मेरी शरण नहीं ले पाते, बाहर नहीं निकल पाते, इस बंधन से मैं उसको बाहर निकाल देता। सगुणान समझे थे, माया का बंधन से भगवान बोल रहे माया से बाहर निकला असंभव है, तीन गुणों से बाहर निकले। आप बोलो ना हैबिट्स, कितना लोग हाथ मार लेते पाँव मारते चाय नहीं छोड़ पाते, हाथ मारते पाँव मार लेते ये कर लेते वो कर, अपनी फोटोग्राफी देखने की हैबिट नहीं छोड़ पाते, मतलब हैबिट्स बदलना तीन गोट से जो हैबिट से कोई नहीं बदल सकता, रोता है फिर वो अपनी पत्नी झगड़ा करने का उसका स्वभाव होता है, झगड़ा में रोता है कि क्या करता हूँ मैं, बदल नहीं पाता। तो भगवान बोलते तुम मेरे शरण लेके देखो, तुम मेरे को प्लीज करो, समझ रहे, मैं तुमको तुम्हारे तीन गुणों के ऊपर उठा दूंगा एंड होल रूट ऑफ मेटल एग्जिस्टम खत्म हो जाती है। पूरा मेटल वर्ल्ड में जब फंसे पड़े दलदल में जन्म तो सागर में, इसका मेन कारण इच्छा है, भौतिक इच्छा है, किसी के रजोगुण में किसी सत्वगुण में किसी तमोगुण में, तो भगवान बोलते मैं इच्छा ही खत्म कर दूं, मतलब अंदर का सॉफ्टवेयर डिलीट कर दूं, मतलब वायरस जो अंदर में है वो मैं रूट से हटा दूंगा। कैन यू इमेजिन, इसलिए कोई अगर सच्चा भजन करता है पहला इफेक्ट उसके अंदर दिखेगा ट्रांसफॉर्मेशन, क्या दिखेगा, उसकी बुरी आदत टूटने लगी फट 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 फट, समझ रहे। अगर बुरी आदत नहीं उड़ी इसका मतलब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए भक्ति नहीं करे, और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए भक्ति करना मतलब मेहनत वाला काम है, समझ रहे। कृष्णा चाहते हैं कि हम मतलब बहुत कृष्णा को प्लेजर के लिए भक्ति करना इतना आसान नहीं, सबके सबको रिस्पेक्ट दे, सब हम्बल हो, मतलब वेरी डिफिकल्ट, सबके वेलविशर हो, व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस, कृष्णा चाहते हैं कि हम लोग सबके वेलविशर बने, जेन्युइन बने, तो जेन्युइन बना इतना आसान नहीं, विशेष करके कोई हमारा बुरा किया था उसका अच्छा करना वेरी डिफिकल्ट। तो कृष्णा चाहते हम लोग ग्रज भूल जाए, ये भूल जाए, वो भूल जाए, फॉरगिवनेस कर दे, तो ये सब क्वालिटीज लाना मतलब बहुत मुश्किल है, जगह ही बधाई को देखी। तो वो लोग चैतन्य महाप्रभु जब होली नेम दिया तो बेचारा मधाई घाट पे जाता था, उसको पहले के लोग मारते थे कि तुम बेटा वाइफ के साथ रेप किया था, ये क्या था, टू क्राई टीयर्स, वो पत्थर फोड़ दे, बोले और लीजिए पत्थर और फोड़िए मेरे को, तो आई डिजर्व वर्स, तो मतलब लोग का हृदय पर पिघल गया, भाई तो सचमुच में आदमी बन गया, समझ रहे। तो इफ वी समहाउ प्लीज कृष्णा, रिमेम्बर आपको कृष्णा हृदय में प्रवेश करके सब गंदगी को हटा देंगे, सब मोड्स का जो बंधन है, एंड दुनिया में रजोगुण मतलब कुछ भी हो मन नहीं मानेगा, जब तक रजोगुण रहेगा आपके पास कुछ भी हो मन बोलेगा वही और कुछ है, कुछ भी हो आपके पास मन बोलेगा और चाहिए, समझ रहे, कुछ भी हो, करोड़ों का पैकेज जो है, जो हो मन बोलेगा और चाहिए। इसलिए दुनिया में पीपल आप पागल की तरह, वो लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं, ओनली थिंग यू हैव टू अचीव इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, बिकॉज बाकी तो आप कुछ भी अचीव करोगे वो मतलब वो गंदगी लगाई है रजोगुण का तो फिर और चलिए,
आप समझ रहे हैं, इट्स लाइक यू नो अ सॉफ्टवेयर, मतलब या मतलब आप एक, आप कमा रहे हो फाइनल लिखा हुआ है इनटू जीरो, समझ रहे हैं? या बोलो जितना तुमको पैसा चाहिए ले लो, लिखो कितना चाहिए और फाइनल एक उसके बाद वो लिखता है इनटू जीरो, वो बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है, और तुमको जितना पैसा चाहिए लो गिनो और बाद में इनटू जीरो। तो ऐसे ही रजोगुण, कुछ भी ले लो आप, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोई पोस्ट ले लो, कुछ कर लो, कितना सेक्स कर लो, कुछ ही कर लो कि चलो सेक्स करते कर, उसके बाद जितना जैसे करे और जी। समझ रहे? सो दिस इज रियल प्रॉब्लम, कलमस बोलते हैं इसको, कुछ भी मिलेगा आप संतुष्ट नहीं हो सकते है कि नहीं? तो आप तो इटर्नल भिखारी हो गए, समझ रहे? भगवान बोलते हैं प्रहलाद महाराज को, भगवान बोलते हैं, हाँ प्रहलाद को भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों को भौतिक चीजें नहीं देता, तो मुझे पता है भिखारी को फिर से भीख दूंगा, फिर भीख मंगा का आदत भीख मांगने का नहीं जाएगा, इसको मैं 100 रुपया भी दे दिया लेकिन भीख मंगा ही रहेगा, फिर बोलेगा और 200 दे दीजिए, समझ रहे? तो भगवान सोचते ऐसा कुछ दूंगा ना कि फिर भीख मंगा का, भीख मांगने का इच्छा खत्म हो जाए। तो भगवान अपने स्वचरणों को दे देते कि लो मेरे को एक्सपीरियंस करो, मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस दूंगा, आई विल गिव यू स्वीटनेस इन होलीनेस, आई विल गिव यू स्वीटनेस इन माय कथा। और एक बार किसी ने भगवान की कथा को रिलीज कर दिया, फिर उसको भौतिक चीज में टेस्ट, समझ रहे? लेकिन कब देंगे टेस्ट, रुचि कब आएगी, उसके पहले अनर्स निवृत्ति। तो इसीलिए अभी क्या होता है, लोग जब सही से भजन नहीं करते तो कभी उनका अनर्थ निवृत्ति होता ही नहीं, और बिना गुरु के कृपा के, गुरु के गाइडेंस के, बिना प्रॉपर मॉनिटरिंग के आप अनर्थ निवृत्ति से नहीं क्रॉस कर सकते। मोस्ट ऑफ टाइम पीपल थोड़ा सा अनर्थ निवृत्ति चालू होता है तो भाग जाते। कल एक डिवोटी से मिले तो बोले पूजा अब हम और मैनेजमेंट नहीं करेंगे, क्या हो गया भाई, समझ रहे? मैनेजमेंट और नहीं करेंगे, हम दिन भर भजन करेंगे, हम क्या करेंगे दिन भर, समझ रहे? तो जब मैनेजमेंट में प्रेशर बढ़ता है तो लोग सोचता है हमको, हमसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम इतना सेवा करते फिर भी लोग हम गाली देता है, इतना सेवा करने के बाद हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, गाली, समझ? इसीलिए हम सेवा नहीं, फिर 3-4 घंटा उनको समझाया, जाके उनको समझना है तो छोड़ देंगे तो खुश हो जाएंगे, छोड़ देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, समझ रहे? किसी ने उनको कुछ मान लीजिए फैसिलिटी के लिए ना बोलते, पूजी मेरा मेरा इतना ही वैल्यू नहीं है, मैं बोला इंचार्ज को तो, किसी ने कुछ बोला कुछ फैसिलिटी के लिए, तो वो आदमी ने बोल दिया कि उनको कुछ गाड़ी के लिए, उनसे सेवा के लिए बोला गाड़ी, सब कुछ कोई डिवोटी को ले जाने के लिए गाड़ी, तो ड्राइवर बोल दिया कि नहीं इंचार्ज को बोली, बोला जी इंचार्ज को बोल दिया, हम इंचार्ज नहीं है। अरे भाई हर चीज़ का अलग अलग इंचार्ज है भाई, समझ रहे? और आपको थोड़ा ना बोला नहीं ले जाएंगे, बस इंचार्ज को बोल दिए, हमारे जब गाड़ी है भाई, इंचार्ज इसमें क्या दिक्कत है भाई, गाड़ी एक इंचार्ज तो रखना पड़ेगा, तो कोई आदमी कुछ भी बोलेगा उसको तो ड्राइवर पागला आ जाएगा, समझ रहे? तो इंचार्ज को बोलेंगे, इंचार्ज रहेगा तो उसको पता है सब, सबका रिक्वेस्ट उसको पता है, किसको हाई पे डालना है, किसको बैक पे डालना है, समझ रहे? तो कोई ये बोलेगा, कोई आदमी यहाँ से जा रहा है टूथपेस्ट खरीदने, पूछ चलिए ना गाड़ी से डॉक्टर, ठीक खाली होगा तो सोच भी सकते कभी कभी, लेकिन अभी मान लो उधर से मान लो कोई गेस्ट आने वाले हैं और इधर बोलता है मुझे थोड़ा सा टूथपेस्ट,
सिटी सेंटर से आइसक्रीम अच्छा वाला मिल रहा है, चलिए खरीद कर आते। हाँ, ये सब चीज़ के लिए उसको गाड़ी दो, समझ रहे? तो फिर मैं उसको मैं भाई पूजी भाई कहीं पर मैनेजमेंट भाई कोई एक इंचार्ज रहेगा तो उसी के थ्रू होगा, कैसे होगा? तो ऐसे और इशूज आते तो एक साथ 10 आ जाते, इधर ये हो गया साथ ही उनको कुछ और कोई बोल दिया, समझ रहे? और बेचारे वो सेवा करे किसी को, मान लो मैनेज करे मान लो प्रसाद उसाद, तो फोन कर दे किसी को कि भाई मैं गाड़ी भेजता हूँ तुम लोड करवा दो प्रसाद। अब वो लोड करने वाला ऑलरेडी लोडेड था, समझ रहे? तो बोल दिया कि ये हमारा सेवा नहीं, ये हमारा सेवा, हमारा काम है प्रसाद बनवाना उठवाना, किसी और का सेवा, ये हम नहीं जानते किसका सेवा है। बोले अरे कौन करेगा, अरे हम आप प्रोग्राम में भेज दो। बोला हम नहीं जानते। बोले प्रसाद कौन भेजेगा, हम नहीं जानते। बोले अभी कौन जानता है, बोलता हम नहीं जानते। समझ रहे? तो बेचारा वैन में जाता, अभी परेशान हो गया, समझ रहे? अब वो सेल्फलेस सेवा कर रहा है, लेकिन अब हो सकता है बेचारा जो बनवाया किचन में लोडेड हो, समझ रहे? सुबह से सब लोग उसको ऐसे ही फोन कर रहा है, ये भी कर दो वो भी कर दो, करते करते उसका माला भी नहीं हुआ, वो अलग ही दुनिया में है, समझ रहे? जॉम्बी दुनिया में कहाँ हर चल क्या रहा है, इधर से को बोलता रोटी बनवा दो, कोई बोलता ये कर दो, कोई बोलता वो कर दो, क्या कर दो, हैंग हो गया सिस्टम। ओ जी पराठा बनवा दीजिए, हाँ बनेगा। इतना प्रोसेसिंग ले लिया कि उसका सिस्टम हैंग हो सकता है, समझ? और दूसरा वाला कभी सिस्टम हैंग हो रहा है क्योंकि उधर से उपसाद मंगा रहा, उधर प्रॉब्लम चल रहा, उधर झमेला हो गया, ओ, उसका भी सिस्टम हैंग हो गया, सो इधर भी सिस्टम हैंग, समझ रहे? वो नहीं समझ रहा कि उसका सिस्टम हैंग है, इसको पता नहीं उसका सिस्टम हैंग है। ये अगर समझे, भागवत में बोला गया है, एक बार जब दधीचि जी से भिक्षा मांग रहे, शरीर का हड्डी मांगने जाते हैं देवता लोग, तो वो बोलते हैं कि अगर बहुत बार लोग जो किसी को मांगने जाते हैं, अगर उसको पता हो कि बेचारे भिखारी की क्या स्थिति है, तो मांगने वाला तुरंत दे देगा, और अगर भिखारी को पता हो मांगने वाले का क्या स्थिति, खुद भी मंगा हो रखा आदमी, समझ रहे? तो उसको कुछ दान दे के आ जाएगा। तो पॉइंट इज कि अभी को हर्ट हो जाता कि हम तो इतना सेवा कर रहे हैं, हमको ऐसे कैसे बोल दिया कोई ये वो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव कम हियर टू सर्व। और अगर ईगो आ गया कि वो हमको ऐसे कैसे बोलते हैं, मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्या, ये है क्या वो, और कभी कभी आता है। तो विदाउट गुरुज कृपा एसोसिएशन ऑफ दोज हु आर रियली फोकस्ड ऑन सेल्फलेस सर्विस, हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज विजन सही होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल अ मेटलिस्टिक विजन, दे डोंट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। इसलिए जब तक हम जेन्युइन लोगों का संग नहीं करेंगे जिनका बहुत एडवांस लेवल कॉन्शियसनेस, हम मेटल लेवल पे आ जाएंगे। जैसे कि हमारे कुछ वैष्णव हमारे वॉइस में आते हैं दूसरे वॉइस के, तो हमको 50 बार पूछ रहे थे कुछ 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 तो ले लीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए, बट मेरे को लग रहा भाई हमारे कहाँ कोई आए हैं, समझ रहे हैं? इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सर्व, वाई वी से टेक मनी, समझ रहे हैं? तो बट यूजुअली कहीं पर भी जाओगे लोग बोलेगा भाई खाने का पैसा दीजिए, मतलब समझ रहे हैं? लेकिन हम क्यों मांगे, हमारे यहाँ कुछ गेस्ट हैं, हम क्यों उनसे मांगे, समझ रहे हैं? हमको तो ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ कुछ भक्त लोग आए हैं, हमको सेवा का मौका मिल रहा है, वी शुड बी फील प्रिविलेज टू सर्व, दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग, समझ रहे हैं? अब कोई बर्डन भी फील कर सकता है, अरे यार काहे के लिए आ गया, अरे यार रात को 10 बजे आ रहा है, उसके लिए प्रसाद बनाओ ये करो। बट इफ़ यू हैव डिज़ायर टू सर्व, कि नहीं हमारे कोई डिफिकल्ट है, नो डाउट,
समझ रहे हैं, कुछ फैसिलिटेट करना दूसरों को इजीली, बट हम लोग ऐसा कल्चर बनाया कि नहीं भी सर्वधर्म। तो फिर आपको मेटेरियल लेवल पे हो सकता है इनकन्वीनियंस हो, स्पिरिचुअल लेवल पे मर्सी मिलता है। क्या मिलता है? एंड आई कैन फील, अगर हम लोग सेवा की है बच्चे से, उसके कारण ही कृपा से कृपा होती है। जैसे मैं भी सोच रहा था यार, बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे पूजी आप सुबह 4 बजे से आपको देख रहे, आपका नॉन स्टॉप बैटरी चले जा रहा है। समझ कि सुबह 4 बजे से हम लोग गए थे उधर मंदिर, मैं 2 बजे से उठा था जब, तो 4 बजे से लेके मतलब रात को 9 बजे तक उन्होंने बोला बंद कर दीजिए, बहुत हो गया। समझ रहे? तो भाई हम सोचे हम लोग 20 घंटा ऑलमोस्ट, समझ रहे, 18 घंटा कंटिन्यूस मतलब नॉन ब्रेक, 0 सेकंड ब्रेक के साथ हम लगे रहे। पूजा वो गला फट नहीं रहा था क्या? इतना जोर से आपका लेखा नहीं होता है पूजा, अभी इतना जोर से चित्कार कर रहा था, लग रहा था गला बाहर आ जाएगा। तो हाँ, इतना जोर से तो मैं कीर्तन कर रहा था तो सचमुच बाहर आ जा रहा है। समझ रहे? अपना तो लो पिच में काम ही चल रहा था, हाई पिच में चल रहा था। एक या 2 मिनट के बाद हमारा कीर्तन लो पिच में चलता ही नहीं, समझ रहे, वो हाईएस्ट पिच में चला है, हाईएस्ट पिच नीचे उतरता ही नहीं। समझ रहे कि क्या है ये लोग, मतलब ये भी पगलवा, इसका लोग भी पगलवा, समझ रहे। तो अब खाए भी नहीं है, पिए भी नहीं, सही से, और मतलब चले जा रहे बैठे, तो कैसे चलता है? दिस इज बिकॉज ऑफ सम ग्रेस। समझ रहे? कुछ लोग का आशीर्वाद है। समझ रहे? अपने से नहीं होता। समझ रहे? कुछ आपने सेल्फलेस सेवा किया हो, कुछ वैष्णव का वो खुश होकर भगवान से बोल दिया, भगवान जिसको थोड़ा आशीर्वाद दे, देन यू गेट सम ब्लेसिंग विथ स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन। समझ रहे? एंड ये आपको मिल गया तो आपका जीवन सफल है, बाकी दुनिया में सब चीज बेकार है। वो हार्ट को कुछ सेटिस्फाई नहीं करेगा, नथिंग कैन सेटिस्फाई योर हार्ट, कितना भी पैसा हो, कितना भी पोस्ट हो, हार्ट सेटिस्फाई नहीं होगा। हार्ट सेटिस्फाई होगा जब कृष्ण की कृपा हो, तब अंदर से एक संतुष्टि मिलती थी, हरिदास ठाकुर की कृपा थी, तो मार रहा कौन से, उनको फर्क नहीं पड़। He is absorbed in Krishna। समझ रहे? तो इसीलिए ये कृपा जो है आएगी, लेकिन इसके लिए बहुत चैलेंज से गुजरना पड़ेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल क्या मेटेरियल लेवल पे, समझ रहे, उनका कॉन्शियसनेस कैसा है, मेटेरियल लेवल, और स्पिरिचुअल लेवल का तुरंत रिजल्ट हो सकता नहीं भी आए, कभी कभी लॉस भी सहना पड़े। समझ रहे? आप सेल्फलेसली सेव सेल्फ किया, आपका 2000 का लॉस भी हुआ, मतलब इमीडिएट तो कुछ नहीं बेनिफिट मिल रहा, तो आपको फेथ रखना पड़ेगा। नहीं, दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। आप अपना प्रसाद दूसरे को दे दिए, आपको नहीं मिला, बोला अरे मैं तो लॉस हो गया, मैं कमजोर हो गया। अरे नहीं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल फॉलो करेंगे आपको आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, 100% लिख लीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल एक अभी खराब नहीं हो सकता। एंड ऑफ द लाइफ आपने प्रिंसिपल फॉलो किया, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। रिसेंटली हम सुपुरु पिताजी जी मुझे क्लियर दिखा, उन्होंने प्रिंसिपल फॉलो किया, 16 माला किया, 4 नियम पालन किया, वैष्णव का सेवा करते थे, मुझे पता भी नहीं, आई नेवर न्यू ऑल्सो हिज डे, समझ रहे, बट उन्होंने फॉलो किया था प्रिंसिपल, ओबीडियंस टू गुरु, 16 माला बोला गया किए प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार, एज इट इज प्रभुपाद आके उनको लेके चले, समझ रहे, मायापुर से तू आए, गार्लैंड अपना भेजे, उनको चरण दूसरी भेजे, मतलब इत्तिफाक का बात नहीं, बस तत्व गार्लैंड आ जाना, राधा माता को गार्लैंड आ जाना, तो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल का रिजल्ट 100% आता है। लेकिन वही है कि मन इतना इजीली देते नहीं, तो वी शुड बाय गुड एसोसिएशन ट्रांसफॉर्म आवर कॉन्शियसनेस। एक कल मेरे वहां पर जो मैनेजर बोले क्या है सब बेकार लोग, कल वहां से फिश था जगन्नाथ मिश्र फिश, तो गांव के कुछ लोग आए होंगे, तो एक फैमिली का 5 लोग आके प्रसाद लिया, हम तो बहुत खुश हो कि प्रसाद लिया, मैं तो इधर था, इधर से उधर जब गया,
तो हमारे मैनेजर बोले पोजी एक दिन भी मंगल आरती में नहीं आता है उसका माता जी, और वो पांचों लोग प्रसाद लेके गया। हमने कितना अच्छा बात है, प्रसाद खा के गया यार। समझ रहे वो क्या बोल रहे हैं, एक दिन मंगल आरती में नहीं आता, नहीं प्रसाद सब आके खा के। तो इसमें खुश होने की बात है भाई, मतलब प्रसाद खा के गया तो अच्छी बात है भाई। समझ रहे, बोले बहुत अच्छी बात है। तो प्रसाद आप बताइए, अब मेटल लेवल पे आप क्या सोचोगे, 500 का बेटा मेरा चेप के चला गया। अरे लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो प्रसाद खाया है, फिर मैं समझाया भाई, फिर बोला भाई कि बताया तुम वो फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे थे। मैं बोला नहीं भाई, आप देखिए आप कितनी बार उसके पास गए। मैं तो देखा बोल, वो मंगल आरती आते थे बेचारे भाई, बहुत दिन से नहीं आया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो आदमी कितना बार आता है। आप कितनी बार उसको जाके समझाया कि मंगल आरती क्यों अच्छा होता है, पूजी क्यों नहीं आते आप। वो हमारे पास प्रसाद खा रहा है, मतलब हम पे ट्रस्ट है, सब लोग थोड़ा ना आता है, वो हमारे पे ट्रस्ट करके प्रसाद खाने आया। तो आप जाइए उसके पास, उसको गाइड कीजिए, बताइए कि कैसे मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है, मंगल आरती करने से कितना लाभ होगा। आप कुछ तो ट्रेनिंग दे दे रहे हो। बोल तो कैसे आ गया, बुखड़ लोगे, ऐसा रखोगे तो आपका चेतना तो आपको और कम लोग होते जाएंगे। बहुत जगह इसको में प्रसाद देना ही बंद कर देते। बोलते सब बुखड़ लो आके फिर खा के जाते हैं, ये लोग पे इन्वेस्ट करके फायदा। तो प्रसाद खिलाना मतलब बुखड़ लो खिलाओ, वो लोग बस लूट के जाएगा, इसलिए पैसा इन्वेस्ट मत करो। अच्छा प्रैक्टिकल चीज, प्रैक्टिकल है कि नहीं, तो नहीं खिलाना चाहिए प्रसाद, हाँ बुखड़ लो बस लूट के जाता है, इसलिए खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, क्या बोलते हैं? अरे भाई आप 100 आप मतलब प्रोग्राम किए, 300 लोग आए क्लास में, तो 20 लोग आएगा प्रसाद के समय, 300 लोग आएगा, 300 लोगों को खिलाए, 10,000 रुपये खर्चा हो गया आपका, 15,000 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप हर हफ्ता खिलाते हो संडे में 500 लोग को 25,000 रुपये करके, तब एक महीना में कितना खर्चा हो गया आपका, 1,00,000। आपका डोनेशन उतना आता नहीं, तो थोड़े दिन बाद आप बोलोगे भूखड़ दो खिलाना बंद करो, प्रैक्टिकल बनो, सही है कि नहीं? सब पॉइंट प्रॉब्लम क्या है? और नहीं बना तो बढ़ते चला गया बिल, तो एक बिल बढ़ते गया तो हम लोग उनका चेतना नहीं मिलता। हाँ प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छा से लेक्चर नहीं दे, आप अच्छा एग्जांपल सेट नहीं करो, आप सिर्फ नाम का क्लास देते हो, आप खुद सही से भक्ति नहीं कर रहे हो। समझ रहे हैं? आप खुद भक्ति करोगे अच्छे से, आपका तेज से आकर्षित हो जाएगा, पैसा लाके आपको देगा बिना मांगे, बट आप भक्ति सही से करते ही नहीं है। हमारा खुद का भक्ति गोल है, हम खुद मेटलिस्टिक है। समझ रहे हैं? हम खुद मेटलिस्टिक है तो क्या उसका चेतना को हम विकसित करें, तो फिर बर्डन हो जाता है। बोलता है भूखड़ों को मत खिलाओ, बंद करो, तो बंद कर देता है। फिर मंदिर में जाओ, कोई चाम नहीं लगता है, कोई प्रोग्राम्स नहीं होता, कुछ नहीं होता है, बस एक टेबल मिलेगा फंड कलेक्शन का। आपको मंदिर के लिए दान देना तो दे सकते हैं, 1 square feet 5,000 रुपये। मैं मना ये नहीं बोला मत कलेक्शन, लेकिन वाई पीपल डोंट वॉन्ट टू गिव, बिकॉज यू हैव अ स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस कि भूखड़ लोग हैं, तो लोग भी सोचते हैं हम इसको क्यों दें। आप प्रचुर मात्रा में बांटो, आपका कॉन्शियसनेस एडवांस रखो, तो आपके पास पैसा कमी नहीं होगा। कीप वेरी एडवांस कॉन्शियस, बी वेरी प्योर। समझ रहे? तो आपके पास इतना पैसा आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। आप लोग पॉइंट समझ रहे कि इसलिए अच्छे भक्तों और संकर के एडवांस लेवल पे कॉन्शियसनेस रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो सब कोलैप्स हो जाएगा।
समझ रहे हैं? सब कुछ बर्डन बन जाएगा. डज इट मेक सेंस और नॉट? इसलिए भक्तों को बहुत प्योर कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए. इजी नहीं है, नो डाउट. फिर वो बोलने लगे, प्रभु जी कितने साल से आप उसको प्रचार कर रहे हैं? बोले 10 साल से हमारा रिश्ता है. अब कितना माला करता है? बोले माला नहीं करता है. तो कभी भक्त नहीं बनेगा. हम बोले अरे ऐसा क्यों बोल रहा है, श्राप क्यों दे रहे हैं? समझ रहे, भक्त नहीं बनेगा. एटलीस्ट वेलवी सर तो है बेचारा, समझ रहे. अरे कुछ नहीं, कुछ बेकार, वो कभी नहीं सुधरेगा. बोले तुम ऐसा क्यों बोल रहे, कभी नहीं सुधरेगा, ये कौन सा लेवल बोल रहे, समझ रहे. तो मेरे को चैलेंज करने लगा, कभी नहीं सुधरे. क्या बोले, छोड़ो. तो बोला देखो उन्होंने कितना हेल्प किया एक समय ऐसे वैसे, मतलब. तो बहुत बार हम केवल मैनेजमेंट करेंगे सिर्फ, तो मेटल कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे. फिर प्रैक्टिकल मैन दिखेगा आपको, प्रॉब्लम्स, पैसा खत्म हो गया दिखे. सो अनलेस यू कीप योर सेल्फ इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, समझ रहे हैं, केवल आप मैनेजमेंट करोगे आप मेटलिस्टिक बन जाओगे. आप बोले यार प्रैक्टिकल नहीं है. सब लोग जो क्लास में बड़ी बड़ी बात बोलते, प्रैक्टिकल जो होता है ना, हम लोग जानते हैं. प्रैक्टिकल तो है कि तुम मूर्ख है, तुमको कुछ नहीं पता, समझ रहे. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी अब्सॉर्ब आवर कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. एंड हाउ विल दैट कम? व्हेन वी हियर द हार्ट ऑफ लॉर्ड. इसलिए गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, जतन जतन पढ़ना चाहिए. क्या चेतना होती है. एंड वी विल फेल. उनका लेवल देख के हम नहीं फॉलो कर पाएंगे, लेकिन हमको एटलीस्ट एस्पायर करना चाहिए कि अम्बरीश महाराज उनके ऊपर आक्रमण भी कर रहा है फिर भी वो कुछ बोल नहीं रहे. दुर्वासा मुनि उनको तोड़ रहे फिर भी बेचारे सह ले रहे. हम लोग को ऐसा लेवल नहीं, लेकिन एटलीस्ट एस्पायर तो करेंगे कि नहीं, दिस वर्ल्ड हरिदास ठाकुर को मारा जा रहा है, सहे जा रहे हैं, हर एक उसका भला चाह रहे. ठीक है, हम लोग उस लेवल पे तो नहीं है कि हम कोई मारते जाए और बोलते थैंक यू वेरी मच और मारो, समझ रहे. ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग अभी, लेकिन एटलीस्ट एस्पायर तो कर सकते, समझ रहे. तो सो दैट्स वाई टुडे वी आर डिस्कसिंग वेरी स्पेशल पास्ट टाइम वेर वी सी श्रील सनातन गोस्वामी. He is so eager to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu is in Vrindavan. Yeah, he is in Puri. Chaitanya Mahaprabhu Puri mein hai. And unki maa ne unko aadesh diya ki aap Puri mein raho. Vrindavan ban jao. Aap Puri mein, matlab Vrindavan mein settle hone wale the, lekin sanyas leke badh. Maa ke request se Puri mein rehne lage. And here, Sanatan Goswami released from jail, he goes towards Vrindavan, meets Mahapu, and is returning back toward in Varanasi. Mahapu teaches him, and then he goes to Vrindavan. Then once again he comes to meet Sri Chaitanya Mahapu in Puri. And Jharkhand ke raspath ko jab cross karte hain, ungli aise nahi rakhte, samajh rahe. So Jharkhand ke pat ko jab cross karte hain, ab wo bichara to sadhu पूरा भगवान पे डिपेंड होकर घूमते रहते हैं, तो कहीं पर भी पानी पी लेते हैं, समझ रहे हैं. और जल का कुछ दोष होने के कारण, कभी कभी जल में कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ होते हैं, उसके कारण उनको शरीर में पूरा फोड़ा हो जाता है, समझ रहे हैं. कभी कभी हो जाता है पाँव में चलते रहते हैं, बहुत जाड़ा करता उतल बजाते दिखते हैं, कभी यहाँ पर ऐसे फूल जाता है, समझ रहे. तो फिर वो बहुत लहरता है, तो उनका शरीर में कुछ तो घाव हो गया पूरा फुल शरीर में, और कहीं पर भी पानी टैप खत्म, तो बहुत हाँ मतलब बहुत बहुत वो जबरदस्त कष्ट देता है. तो फिर वो आए हरिदास ठाकुर के सरा, वो सीधे बकुल में रहते थे, वहाँ पर मिले उनसे. अब पूछे है सनातन गोस्वामी, पूछे हरिदास महापू कहाँ है. तो महापू रोज आते हैं इधर, वैसे मिलने के लिए आते होंगे, और उसी समय महापू आ जाते हैं और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते हैं और सनातन गोस्वामी प्रणाम करते हैं. तो महापू को हरिदास ठाकुर बोलते हैं,
कि महापुरुष सनातन आया, कौन आया? हम है सनातन, आके उसको क्या करते, प्रणाम आलिंगन कर लेते। और सनातन बोलते महापुरुष प्लीज प्लीज डोंट टच मी। मान लीजिए आप हम लोग कहीं सेवा हुआ करके आए हैं, पूरा पूरा धूल धूसा से भरे हुए, कोई महाराजा हमको आज प्लीज प्लीज कंटेमिनेटेड, मतलब समझ रहे। और वो तो छोड़े, हम लोग सटल कंटेमिनेशन में बोलते हैं बच्चों ये मेरे को, और पूरा बॉडी में हम लोग लगा हुआ हो घाव। तब कोई अगर मान लीजिए भक्ति प्रेम आज आपको आलिंगन करना चाहे, तो आप नहीं चाहोगे महाराज को हम टच करें, है कि नहीं? नेचुरल सी बात। लेकिन सनातन को सारे महापुर जबरदस्ती हमको बहुत बुरा लगने लगा, मेरे कारण महापुर के शरीर में क्या लग जाता है, ये सब गंदा चीज लग जाता है। तो आई वाज फीलिंग वेरी मच पेन एनी हाउ। महापुर जी कैसा किया और रूप गोस्वामी कैसा है, ये कैसा है वैसा है, सनातन को सारे डिस्कस किए। और रोज महापुर ऐसे आते थे, अब सनातन को जबरदस्ती आलिंगन कर लेते। सनातन को ना मेरे यहाँ पर आया था, सोचा था कि भगवान को प्लीज करूंगा, लेकिन मेरे कारण भगवान को दुख क्या करूंगा। तो सोचा कि अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहा है, जब रथ यात्रा आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं रथ के नीचे अपना शरीर को डाल दूंगा। तो जगन्नाथ जी को देखते हुए मरूंगा तो भगवत धाम भी चला जाऊंगा और ये शरीर का कष्ट भी बंद हो जाएगा और महापुर को भी कष्ट नहीं। और ये सोचे थे वो कि कुछ दिन बाद रथ यात्रा आने वाला है और तब तक महापुर आए और इतना डांटे, क्या समझता है सनातन तुम? सनातन किसी को नहीं बताया बात, तुम क्या समझता है रे, क्या समझते हैं, मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है, उनको क्या मतलब क्या समझ में आया पता नहीं। सनातन तुमको क्या लगता है, हाँ शरीर त्याग करने से भगवान मिल जाएंगे? अगर शरीर त्याग करने से भगवान मिलते तो मैं एक सेकंड में 1 करोड़ सुसाइड करता, ऐसा एग्जैक्ट श्लोक है, समझ रहे हैं? चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 4 अबाउट श्लोक संख्या 55, समझ रहे हैं? चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 4 श्लोक संख्या 55। सिंपल बंगाली है, मेरे साथ रहते आप भी लोग भी आधा बंगाली हो ही गए होंगे। सनातन ने देह त्यागे कृष्ण ज्योति पाइया, कोटि देह खोने कतबे छाड़ीते पारिया। सनातन तुमको क्या लगता है, हाँ शरीर त्याग करने से भगवान मिलते, हाँ सुसाइड करने भगवान मिल जाएंगे? अगर ऐसा होता कोटि देह, कोटि मतलब 1 करोड़, कोटि देह छोड़े के तबे छाड़ी ते पर, 1 सेकंड में मैं क्या करता, करोड़ देहों को त्याग कर देता। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? कोटि देह छोड़े का देह छाड़ी ते पर, समझ में आया कि नहीं? बाबू बोले बेटा तुम क्या सोच रहे हो सुसाइड, तो कैसे पता चला सर बापू को उसके मन में क्या चल रहा है? भगवान है, पता चल गया, समझ रहे? तो आपके मन में मान लीजिए कुछ विचार आया और भगवान आ जाए और बोले हे नितिन क्या रे, और जब गाली देते हो बोले कैसा लगेगा, हाँ कैसा लगेगा, सोचो, इसीलिए तो इस क्लास दिया जाए, सोचे हम लोग कि भगवान हमसे कितना प्रेम कर रहे, समझ रहे? आप कुछ सोच रहे, समझ रहे? तो भगवान उस चीज को इको करे एकदम,
अरे भगवान कितने पर्सनल, जैसे आपका मन हो कुछ भक्तों को फीस दे देगा, पैसा नहीं हो उसी से वो कहीं से 10,000 रुपये डोनेशन आ जाए आपको, कोई चाचा भेज दे, कोई सोच ही रहा था आगे, मतलब तो वी कैन फील, मतलब समझ रहे हैं। देह त्यागे कृष्णो न पाए पाइए भोजने, देह त्यागे कृष्ण न पाए कृष्ण प्राप्ति उपाय को नहीं भक्ति बीरे, ए सनातन भगवान शरीर त्यागने से नहीं मिलते, भगवान भजन करने से मिलते हैं, समझ रहे। इसीलिए अमंग ऑल सर्विस दिस सर्विस टू चैंट हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इसीलिए भक्तों के लिए बहुत जरूरी अच्छे जप करें। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैं देखा है सुबह जप में इतने कम लोग, क्यों भक्त लोग लेट आते, इट्स वेरी पेनफुल टू हार्ट टू चैंट 16 गुड राउंड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स इम्पॉर्टेंट सेवा, व्हाई कांट डिवोटीज कम ऑन टाइम, आई डोंट नो। ऐसा क्या आप थके हो तो मुझे पता नहीं, दिन भर हम लोग के पास समय है। श्री चैतन्य बाबू खुद अपने मुख से बोले कृष्ण भजन से मिलते हैं, डोंट वी हैव फेथ, सुबह भजन नहीं करोगे तो दिन में भजन होता है क्या? If you don't chant 16 rounds nicely in the morning, क्या दिन में होता है क्या? अच्छा जब रात को 10 बजे वो जो एक्सटेसी आता है, कुछ लोग आया रात को 10 बजे जब कर, हाँ वाई वॉइस मेरा कित, फिर आपकी शादी हो जाएगा, पास आउट हो जाऊँ, फिर क्या करूँ? फिर को आपको बोलेगा क्या? फिर तो आपको वाइफ रहेगा, उससे बात और उसको भी आधा घंटा उसका भी जब करना पड़ेगा ना, हाँ ये प्रिंसिपल है, समझ रहे। एक बार राधा गोविंद महाराज लेक्चर में बताया, समझ रहे, आपको शादी करने बाद अपनी पत्नी को बोल देना चाहिए आई लव यू, समझ, बोले प्रेम करते हैं बोलने क्या, बोले नहीं 3 बार फिर भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल, सुबह दोपहर शाम बोल देना आई लव यू, आई लव यू, समझ रहे। और जिसको लग रहा है तपस्या बहुत डिफिकल्ट है तो भाई शादी मत कीजिए, नहीं तो बार बार आधा एक घंटा तो रोज बोलना ही पड़ेगा, आरती तो उतारना ही पड़ेगा, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, समझ रहे। तो उससे बड़ा तो माला कर लेना रे बढ़िया से, सोलट हो, हाँ तुम ये नहीं करेगा तो अंदर से अनफुलफिल्ड रहेगा, देन यू विल बी सर्वेंट ऑफ अदर्स। वो तान पान उसका पत्नी उसको ब्लैकमेल कर रहा है सुरुचि, इफ यू डोंट चैंट हरे कृष्णा नाइसली यू विल बी सब्जुगेटेड बाई माया 100%। वाई डोंट योर डिवोटी चैंट 16 राउंड मॉर्निंग? मेरा नींद हो नहीं हो, मैं सुबह 16 राउंड कर लेता हूं 99% है। हॉस्टल के बाद मैं टायर्ड नहीं था क्या? वर्कपुट के बाद नेक्स्ट दिन स्टिल आई चैंटेड ऑल माई राउंड 4 घंटा रेस्ट लेने के बाद। Why can't we chant? What is this culture? इधर भगवान चैतन्य बापू मुख से बोल रहे कि भजन करेगा कृष्ण मिल जाएंगे, Why can't we have faith? आपको कृष्ण नहीं चाहिए क्या? तो क्या चाहिए आपको? हम कहाँ बोले पढ़ाई मत को, सब कुछ करो, 16 राउंड जब करेंगे सुबह में क्या दिक्कत है आपको? क्यों डिवोटी 16 राउंड के लिए साथ में नहीं आ सकते? फिर बाद में आप लोग पास आउट, मैं कितना आपको मॉनिटर करूंगा? अभी इतना सुंदर फैसिलिटी, इतने भक्त है, वाई कांट वी टेक एडवांटेज ऑफ ईच अदर्स एसोसिएशन? कि नहीं वी विल चैंट 16 गुड राउंड, फिर नहीं करोगे 16 राउंड, फिर खोखला फील करोगे, फिर इलिसिट सेक्स करोगे, कुछ करोगे, उल्टा पुल्टा करोगे और फिर रोओगे। आई डोंट नो वाई, ठीक है किसी का सेवा, मान लो कार्तिक को बेचारे ड्राइविंग करे थे, ओके उनके केस में अलग केस है, बेचारे सुबह 7-8 ट्रिप किया है, बात पता नहीं, आई डोंट नो। बट बाकी कितने लोगों का सेवा है कि सुबह 4 बजे आपको सेवा दिया गया,
चेतन बापू को झूठ बोल रहे हैं क्या हम लोग को? हाँ चेतन चेतन बापू झूठी ग्रंथ है ना? हाँ सच्ची ग्रंथ नहीं झूठी ग्रंथ है, सच्ची। तो महापू जब बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी देह त्याग करने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। हाँ कृष्ण कैसे मिलते हैं? भजन कर। तो श्री चेतन अपने मुख से बोल रहे हैं भजन करने से कृष्ण मिल जाए। वाई कांट वी डू भजन? क्यों 16 माला पे हम खाते? मत खाओ ना, रात को कैसे जप कर रहे? कैसे कोई कल्चर है रात को जप करें वो समझ में नहीं। आप खाना मत खाओ ना, फिर खाना क्यों खा लेते फिर हम? ठीक है आपको इतना बिजी है तो फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं मिला समझ में आता, चलो आप रात को 11 बजे जप कर, इतना सी बात। लेकिन फीस्ट खा रहे हैं और उसके बाद हमारे पास रात को जप कर, मतलब क्या? देखिए फिर आपकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, और अभी नहीं बढ़ेगी फिर तो आपको, फिर जब लाइफ में आपको बहुत सारे लोग के द्वारा आप डिपेंडेंट हो जाओगे फिर तो आपको कोई भी आदमी आपको ब्लैकमेल करेगा। व्हाई कांट यू गेट कृष्णा बाय चैंटिंग नाइसली? क्यों कृष्णा को आप कॉम्प्रोमाइज करते हो? अरे गोलोक से भगवान चेतन बापू इतना बड़ा गिफ्ट लेके आए, इतने दूर से हम लोग के लिए, इतने सब एनर्जी भी डाल दिए, नाम नाम कारी बहुत आदि सब डाल दिए, कुछ नहीं करना, जस्ट सुचे अंडर एक एक बट दुर्देव हाँ जिना अनुराग कि भगवान में कितना बड़ा दुर्भाग्य, मेरे को राग नहीं आया। सेम सिचुएशन भी अब लॉर्ड इज पर्सनली कम ब्रिंगिंग हिज होली नेम, स्टिल we say no no I don't want to chant about it. तो कितने लोगों को लगता है नहीं सुबह जब कर लेना चाहिए? अच्छा कितने लोगों को लगता है मुझे कभी भी कर सकते हैं? मैं एडवांस बोलूँ मतलब सुबह दोपहर शाम क्या फर्क पड़ता है? जहाँ पर बैठूंगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, रात को 11 बजे मैं कर सकता हरे कृष्ण राम राम, यही करेगा तू? हरे कृष्ण राम राम हरे, और गोटी पूरा की रहेगा समझ रहे? हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण राम राम हरे राम। फिर देखिए 4 माला वो शायद हो गया होगा, आधा घंटा हो गया, तो हो गया 4 माला सो गया और वाला चाटो गिरा के सोला वाला अंडा और कोई तो पूछने वाला आया नहीं समझ रहे? और फिर कुछ साथ बोलता है पूज में 15 साल से जब कर रहा हूं अभी तक कृष्ण दिखाई दे दी, 15 कोटि साल जन्म तक भी तू करेगा दिखाई दे रहे क्या नोटे की अपराध करता है सिर्फ? हाँ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, भजन लिखा हुआ चेतन जी तक। हाँ हाँ तो कहता है बहु जन्म को यदि श्रवण कीर्तन तब ऊपर न पाए कृष्ण पाद प्रेम धो, क्यों? बिकॉज तुम्हारा अपराध होता है, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो एनी हाउ चेतन बापू बहुत डांटते हैं, अब बोलते देखो 58 नंबर श्लोका में भक्ति बिना कृष्ण कबू नो हे प्रेम दोयो, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होइते नयो, बोल रहे भक्ति बिना कृष्ण कबू न है प्रेमो, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर, भगवान अपने हृदय में प्रेम उदित नहीं करेंगे, मेटल डिजायर उदित होगी, तो इसलिए दया करके भगवान की प्रसन्न। भगवान क्या सुबह जप करने से पसंद होंगे कि सुबह नहीं जप करने से पसंद हो? हाँ कभी कभी आपकी रात भर सेवा थी तो आप सुबह सो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत मतलब पागल नहीं हम लोग, ठीक है ना? रात भर आपकी वाली सेवा है 3 बजे तक, ठीक है आप 6-7 घंटा सो लीजिए 6 घंटा उठ के जब कर, लेकिन भाई सेवा भी नहीं, झूठ मुठ का खींच रहे रात को। मैं देखता हूँ बहुत रात को झूठ मुठ गप्पा मारते लोग,
रात को क्यों जल्दी नहीं सोते, मतलब रात को क्या गप्पा मारने का? ठीक है कोई प्रोग्राम हुआ, बच्चों से बात करना, अपना ही लोग है, अरे दिन में बात कर लो ना। रात को 9 बजे गोविंदा उधर बैठ के तब सब लोग एकदम फॉर्म में, हाँ बोल दिया, लगता है मतलब कुछ मतलब स्पेशल कृष्ण, मतलब स्पेशल कृष्ण प्रेम का खजाना मिलेगा। कृष्ण प्रेम का खजाना नहीं, सुबह सुबह सोते सो जाते हैं। हमको सर्विस ऐसे ही मैनेज करनी चाहिए ताकि हम जल्दी सो जाए। इफ इट इज वंस इन अ डे अफेयर इट्स ओके, कभी वंस इन अ वाइल फेस्टिवल हुआ अलग बात, अदरवाइज एवरी डे जनरल प्लानिंग शुड बी वी स्लीप अर्ली, समझ रहे? ठीक है कभी कभी, मैं नहीं बोलता गौरपुरा फेस्टिवल था, आई एग्री ऑल ऑफ यू वर्कड वेरी हार्ड, समझ रहे? ठीक है उस दिन थोड़ा लेट होगा, समझ में आता है, लेकिन कल किस लिए लेट हुआ? कल तो दिन भर शुरू मतलब खाली थे, मतलब कल तो मैंने भी कोई क्लास भी नहीं दिया कुछ, मतलब कल कैसे लेट हो सकता को? कल रात को लेट सोने में कैसे लेट हो? आज सुबह फिर मॉर्निंग में लेट कैसे? एनी हाउ आप लोग इतने सीनियर हो गए, बोलने में नहीं बनता है, समझ रहे? जो भी है तो महापू खूब डांट रहे, समझ रहे किसको? 65 कुबुदी छाड़िया करो श्रवण कीर्तन, कुबुदी छाड़िया करो श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। सनातन उल्टा पुल्टा विचार छोड़ो और तुम क्या करो, श्रवण कीर्तन, कुबुड्डी छोड़िया, कबड्डी छाड़िया, यही लिखा हुआ है। हाँ खुद से प्लान नहीं किया, आ गया स्पॉन्टेनियस, कबड्डी छाड़िया, समझ रहे? तो कबड्डी नहीं खेलेगा कोई, समझ रहे? बाप का आदेश है कबड्डी छाड़िया कर सो, अच्छी रात पा बैठो, अपने आप आ गया यार, समझ रहे? तो कुबुती कबड्डी कुबुती है क्या, समझ रहे? तो मैं बोला चलो बच्चे लोग थोड़ा बहुत खेलते हैं, चलो अब ये लोग सुना 4 घंटा खेला है, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, तब समझ रहे? इवनिंग प्रोग्राम मॉर्निंग पर एक ही बात, समझ रहे? सो कुबुधी ये क्या है? तो हम लोग कल छुट्टी दिए कि चलो प्रचार वचार नहीं करे, पढ़ाई करेगा बच्चा, कबड्डी खेला है, समझ रहे? सूरज ढल गया लेकिन कोई बात नहीं, अब नया सूरज निकाल लेंगे। तो भाई महापू का आदेश है कबड्डी छाड़िया करो श्रवण, बोले नहीं पूछा, आप हम लोगों को समझा, अरे कुबुद्धि है, अरे कुबुद्धि नहीं, जो हम बोले वही परपोट है, समझ रहे? ये कुबुद्धि है, समझ रहे? कुबुद्धि मीन्स कबड्डी, समझ रहे? तो ये 5-10 मिनट खेल सकता है आदमी, 4 घंटा तो कहाँ से फिर उठेगा? 4 घंटा कबड्डी खेला तो फिर कहाँ सुबह उठेगा? पक्का सुबह 6 बजे उठेगा, समझ रहे? और फिर लाट साहब की तरह आएगा 6:30 बजे, पूरे दिन जब को दिन भर है जब के लिए, क्योंकि जब थोड़ी ना करना, जब करना है, समझ रहे? हरिग्ना राम राम हरिग्ना हरिग्ना राम राम हरे हरे हरे, और पूजी बिंदा जा रहे राम राम, प्रार्थना कर दिया हम लोग फॉलन सोल, पूजी राम राम हरे, उपाय नहीं पूजी, चले आप भी चले पूजी, हम लोग फॉलन सोल, समय नहीं है कबड्डी खेले, 4 घंटे समय नहीं, बिंदा जा रहे समय नहीं, राम राम हरे हरे, समझ रहे? तो वापस सेइंग दैट वी शुड डू प्योर भजन,
ज़्यादा इधर उधर मत खींचिए, ज़्यादा इधर उधर करेंगे भजन नहीं सही से हो, समझ रहे क्या? हम आप लोग फ्रीडम देते हैं, इसका ये मत थोड़ा कि हम लोग मिस यूज करें फ्रीडम। अब आप लोग सीनियर हो गए, आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को ना। इफ सपोज पीपल वी क्रिटिसाइज पीपल के आउटसाइड के लोग उल्टा पुल्टा सिखाते, और हम लोग क्या करें? लोग चार चार घंटे कबड्डी खेलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाउ इज इट समथिंग विच इज हेल्पिंग अस टू रिमेंबर कृष्णा इफ यू आर प्लेइंग कबड्डी फॉर आवर्स? एनी हाउ नीचे जाति नो हे कृष्ण भोजन अयोग्य, सतकुल विप्रो नो हे भोजन अयोग्य, नीच जाति नोहे कृष्ण भजने अयोग्य। तो कोई भी आदमी कैसा भी हो भजन करेगा तो भगवान की कृपा से अच्छा बन जाएगा, विश्वास होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचा पूछ मेरा लस्ट बहुत है नहीं जाता है, चला जाएगा। प्रभु महाप्रभु अपने मुख से बोल रहे नीच जाति वाला भी शुद्ध हो सकता है, समझ रहे? तो वी शुड ऑलवेज हैव फेथ दिस होली नेम, स्पेशली श्रवण इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसलिए बाबू बोल रहे हैं श्रवण कीर्तन, नॉट ओनली जस्ट कीर्तन। योर कीर्तन विच इज नॉट प्रॉपरली गाइडेड थ्रू श्रवण बिकम्स मेटल डिजायर। इफ यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा विदाउट प्रॉपर हियरिंग ऑफ तत्व, आपकी जब भी क्या होगी मेटल तल पे आ जाएगी। सिर्फ जब करेंगे आप सुमाला और सुनेंगे नहीं प्रवचन तो आप गाइडेड नहीं होंगे। आपकी जो साधना इज लाइक अ यू नो बुलेट, समझ रहे? बट इट नीड्स डायरेक्शन। तो श्रवण गिव डायरेक्शन, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग यू डिजायर बाय चैंटिंग। इफ यू डोंट हियर प्रॉपरली फ्रॉम डिवोटीज और रीड प्रभुपाद बुक्स, देन आवर चैंटिंग विल बी फ्रॉम सम बेटर डिजायर्स। इसलिए श्रवणम कीर्तनम, प्रॉपरली समझिए कि हम लोग भगवान के अंश है, भौतिक चीज हमको सुख नहीं देगी। न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा। इस प्रकार से सही से हमको कीर्तन करना, भगवान को कीर्तन मतलब जस्ट आई वॉन्ट कृष्णा नथिंग एल्स, आई जस्ट हियर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। एंड वी शुड प्रे टू कृष्णा आई एम वेरी फॉलन My dear Lord, forbid, but without your mercy, I have so much of lust, I am so greedy, I am a rascal. So if somebody is in a very humble consciousness, उस पे ज़्यादा महापुरुष कृपा होती है। 68 दिनेरो अधिको दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान, चैंटिंग शुड बी डन इन द कॉन्शियसनेस तिनादपि। हे भगवान इतने दिन से जप कर रहा हूँ फिर भी मैं माया में फंसा हूँ, भगवान प्लीज कब मैं अच्छा जप करूँगा? हे भगवान मेरा अभी तक लस्ट कब खत्म हुआ? मैं कब सब भक्तों से प्रेम करूँगा? आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट माई ओन सेल्फ। When will I think about other devotee service? When will I serve others? So, I am just a bhaktan for name's sake, but mere man mein bhakti nahi hai. Bhagwan, please kuch kripa kare. So, with this humble disposition, we should cry out the holy name. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. अचेतन आप अपने मुख से सनातन को बोल रहे हैं, सनातन 70 दैट माय डियर सनातन अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गॉड भक्ति इज द ग्रेटेस्ट, एंड भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ भक्ति नवदा भक्ति। भोजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, भोजनेर मध्य श्रेष्ठ
प्रेम कृष्ण दीते हरे महा तो नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन भजन स्मरण पाद सेवन वैसे जो नवधा भक्ति सबसे बेस्ट भक्ति भगवान के बारे में सुनना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेस्ट भक्ति श्रवण और सुबह जो चैटिंग करते क्या कीर्तन वेरी इंपॉर्टेंट। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लोले पाए प्रेम धन बोलते सनातन सबसे श्रेष्ठ भगवान को पुकारना चित्कार करना हे गोविंद प्लीज मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए मेरी सेवा का मौका दीजिए और निरपराध निरपराध मीन्स टू चैंड विद सम अदर डिजायर्स एंड प्लीज निरपराध जस्ट हियर द होली नेम नो अदर डिजायर। तो ऐसा आप करेंगे तो प्रेम धन मिल जाएगा तुलसी का। कितने लोग प्रेम धन चाहिए तो आपको निरपराध भगवान का नाम लेना। अब सनातन को जब ऐसा बताए महापुरुष कि तुम सुसाइड का विचार छोड़ दो ये कर दो वो कर दो और तुम क्या सोच रहा है हाँ तुम भजन करो सनातन बोला पता कैसे चला इनको इनको पता तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। ए तो सुनी सोना तो न होइलो चमत्कार प्रभुर न भाए मोर मरण विचार बोले भगवान मेरे को तो भगवान को मेरा मरने का विचार अच्छा तो बोलते भगवान तो सब कुछ जानते मुझे रोक दिए हैं अब भगवान का चरण पकड़ ले भगवान मैं तो इतना फॉलन सोल हूँ मुझे भी आप इतना प्रेम करते मेरे बारे में आप सोचते समझ रहे सो लॉर्ड जैसे सनातन से प्रेम करते आप सबसे भी प्रेम इन दिस लॉर्ड इज रिवीलिंग ही लव्स ईच वन ऑफ अस वेरी पर्सनली समझ रहे तो सनातन से रहा उन्होंने भगवान आप कितने दयालु हैं हम लोग तो मूर्ख हैं हम लोग को तो पता नहीं कुछ समझ रहे लेकिन वो बोलते हैं 76 नंबर 75 नंबर श्लोक में भगवान मैं तो फॉलन हूँ नीचो अधम पापर मुई पामर स्वभाव मोरे जिया इले तुम्हार शिवा बेलाव भगवान आप बोल रहे हैं कि मरो मत हाँ भजन करो अरे मैं तो पागल हूँ मैं बेकार हूँ मैं तो फॉलन हूँ मेरे जीने से क्या लाभ होगा दुनिया में देखिए मैं सही सही से निकल रहा है पस उस क्या फ़ायदा होगा मेरे जी लाने से आपको व्हाई यू वांट टू मेक मी क्या करूँगा मैं तो भगवान क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिए ये रट लीजिए बहुत अच्छा है आराम से समझ रहे कोई बात नहीं प्रभु को हे तोमार देह मोर निज धन तुमि मोर करिया छे आत्मसमर्पण तो अमन पू का इच्छा था सुसाइड कर लेंगे जगन्नाथ जी के नीचे समझ रहे रथ के नीचे आ रहे समझ तो भगवान बोले हमको ये पसंद नहीं है समझ रहे कि अब तुम सुसाइड करने से हम नहीं मिलेंगे समझ रहे भगवान बोले भजन करने से मिलेंगे समझ रहे अमन भगवान क्या बोल रहे हैं तुम्हार देह मोर निज मेरा उसका प्रॉपर्टी है तुम्हारा देह सो ऑल ऑफ योर प्रॉपर्टीज All of your body whose property? Krishna is saying my property. तो इसीलिए यह शरीर भगवान का है
भगवान बोल रहे हैं, इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम क्या है शरीर से कर रहे हैं। आप लोग इतने ट्रेंड है, स्पेशल आप लोग को मर्सी मिला है, दिस बॉडी, इस बॉडी से भगवान की इच्छा प्रचार हो, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये शरीर भगवान का है, क्या बोल रहे हो भगवान, तुम्हार देह मोर निजो धन। तो 78 तुम्हारे शरीर से मैं कितना कुछ सोचा हूँ करने का, और तुम इसको बर्बाद कर देगा, पागल है क्या, समझ रहे। तुम्हार शरीर मोर प्रधान साधन, शादी मु अभी बहु प्रयोजन, अरे आप मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, समझ रहे। आपके द्वारा मैं कितना बड़ा बड़ा काम करने वाला हूँ, और आप सुसाइड कर लेंगे। तो सिंपली ऑल ऑफ यू आर वेल ट्रेन्ड इन कृष्णा कॉन्शियस, आप लोगों के द्वारा महापू हजार लोगों को प्रचार करना चाहते, समझ रहे। एंड आप लोग बोलेंगे कि कबड्डी खेलेंगे, समझ रहे, 4 घंटा तो कैसे होगा, 4 घंटा में 4000 लोग को हम लिमिनेट कर देते, समझ रहे। 4 लोग को फोन करके एक आधा घंटा ही बात करते तो उसमें एक जन भी भक्त बन जाएगा, कितने लोग को लिए? एक यूथ अगर भक्त बन जाता है, होल लाइफ लॉन्ग ही प्रीचेस, इसका एनर्जी होता है शादी करने, इन लॉस को बहुत, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अच्छा भक्ति करता है। बूढ़े लोग का सुनता नहीं कोई, बोला अरे अब 100 बिल्ली क्या सोच चूहे मार के बिल्ली चली है चुको, अरे आपका जन्म काका की बताए का, हमको बोलते हैं वहां से मत खाइए, 3 टाइम आप खाते थे, समझ रहे। तो बेचारा बोल भी नहीं पाता, कुछ कहा बोलेगा, समझ रहे। और ग्रस्त जीवन में इतना कॉम्प्रोमाइज होता है, इतना चीटिंग होता है, ये होता है वो होता है, तो प्रचार करने में सोचना पड़ता है उसको, बोलने में पहले 50 लोग बोलेगा कि तो वो भी उठाएगा बड़े इसको, बोलने में 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि भाई कुछ भी बोलेगा तो समझ रहे, दूसरा भी बोलेगा रेडी। हमको बोल रहे भगवान के लिए देना चाहिए, आप कितना देते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। बट यंग एज में हम लोग आगे, हम लोग सुबह उठने का ट्रेनिंग, हम लोग उठते हैं जब करते हैं, तो हम दूसरे बोल सुबह उठिए आप जब भी, लेकिन एल्डरली आदमी बोले उसको उठ नहीं पाता जल्दी, इतना बहुत मुश्किल होता है, क्या दूसरों को बोलेगा वो। तो इसलिए यंग एज में हम लोग को ये जो शरीर मिला है, समझ रहे, महाप्रभु की सेवा के लिए, इट्स वेरी स्पेशल। तो भगवान बोलते हैं आपका शरीर तो कितना कुछ कर सकता हूँ, ऑल ऑफ यू वेल एडुकेटेड, समझ रहे। एक प्रभुपाद जी अमेरिका जाके लाखों लोगों को भक्त बनाते, ऑल ऑफ यू वेल एडुकेटेड, एक एक आदमी कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कितने लोगों को। तो इसीलिए बापू बोले तुम्हारा शरीर मेरा परम साधन है, तो क्या क्या आपके थ्रू मैं करूँगा, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तस्वेरो निधार, वैष्णवेर कृत्याचार्य, तो भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निधान, तो भक्तों का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, भक्ति कैसे करनी, इसका पूरा तत्व जो है साइंस सनातन गोस्वामी ने लिखा है बृहद भागवत में, इतनी सुंदर सुंदर पुस्तक पढ़ना चाहिए। हम लोग बस पता नहीं आप लोग टाइम कैसे मिलता है, मेरे को तो इतना कुछ करना है अभी, मेरे इतना उत्तम दास ठाकुर इतना बुक लिखा हुआ है, प्रभुपाद का बुक से अभी चैतन भागवत पढ़ना है, मतलब चैतन चैतामृत पढ़ना है, और बार बार पढ़ना है, इतना अच्छा लगता है, मतलब समझ रहे हैं, नौतम विलास पढ़ रहे थे वो भी पढ़ना है, फिर अभी क्या बोलते हैं प्रेम महाराज इतना प्रेम भक्ति चंदी का, मतलब इतना कुछ आचार्यों ने दिया है, आचार्यों ने रात रात भर रूप गोस्वामी सनातन जगे हैं वृंदावन में, ये सब बुक्स लिखे,
और हम लोग दिन के समय भी इसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम तो कुबुद्धि, समझ रहे तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो मुझे फोन कीजिए, मैं बताऊं क्या क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इतना मेरा लोड है, समझ रहे हैं, कभी कभी माथा फट जाएगा, इतना सेवा है, समझ रहे हैं। एक ड्यूटी मेरे को फोन करके बोलते प्रभु जी मेरे को बहुत कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, समझ रहे हैं। वो सेवा नहीं, बोले सेवा नहीं है तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास सेवा नहीं। वो बोला मेरे पास इतना सेवा है, समझ रहे, सेवा नहीं। उसके बाद बोला तुम या तुम ऑलरेडी एक चीज का इंचार्ज हो, क्या कर रहे हो तुम। बोले कोई कुछ करता नहीं था। बोले तुम करो, तुमको इंचार्ज बोला तुम क्या करो, बोलता सेवा नहीं। तो सेवा कमी नहीं है, लेकिन हम सेवा नहीं करें बोलेंगे सेवा ही नहीं है। तो मेरे सेवा तो बहुत सारा है भाई, इतना इतना सेवा है, मतलब हमारा कम्युनिटी इतना बड़ा है, सेवा कमी कैसे, पूरा दुनिया है प्रचार करने के लिए। महापुर का आदेश है जा रहे देखो तारे कहो, सेवा कैसे नहीं है, निकल जाओ रोड में, कंप्लीट करके आ जाए, जितना लोग है सबको, कितना 7 करोड़ लोग, 7 अरब, 7 अरब लोग है, सबको जाइए बोलिए जा रहे देखो। बोले पूजी मेरे पास सोल्यूशन है, चादर लेके मैं सो जाऊंगा, कोई देखूंगा ही नहीं तो प्रचार करना ही नहीं ये कोई तरीका तोड़ दे, समझ रहे। तो निकलिए आप बाहर, बुक्स लेके जाइए, बांटिए सबको, कैसे बोलो सेवा नहीं है, कुछ है नहीं करने को, कैसे नहीं है, जाइए आप तुरंत बुक्स लेके बांटिए, किसी से मिलिए, हरे कृष्णा बताइए उसको। और आप नहीं बताना चाहते इसका मतलब बढ़िया सोलह वाला नहीं करा। If you are chanting 16 good round, you cannot sit. You'll feel like desire to give others. अगर कोई अच्छे सोलह वाला करेगा उसके अंदर तुरंत करुणा आ जाएगी, तुरंत दूसरों को देना चाहेगा। He'll feel such satisfaction. उसका मन करेगा दूसरों को भी देना चाहिए। तो क्या सोलह वाला करेगा अगर हमको अंदर करुणा नहीं आ रही दूसरों को देने की। तो महापुर का पर्सनल आदेश है जा रहे देखे तारे कहो। Why are we not doing service? और वैष्णव कृत्य स्वरूप गोस्वामी को महापुर ने बोला कि आप क्या कीजिए, बुक्स लिखिए, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, सब चीज के बारे में। तो बेहद भाग वैष्णव कृत्य और वैष्णव आचार, भक्तों का क्या आचरण होना चाहिए ये आप सिखाइए अपने आचरण से। तो सनातन गोस्वामी कुछ भी नहीं खाते थे प्रैक्टिकली, थोड़ा सा चना होना चाहिए बाकी मसल का, रोज गोधन का परिक्रमा करना, मतलब पूरे गांव को भक्त बनाना, मतलब कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, सेवा परिवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार, आर वैराग्य। तो महापुर के भक्तों का बोला गया कैरेक्टर क्या है वैराग्य। सो वी शुड बी नॉट वेरी अटैच्ड टू सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, वी शुड महापुर भक्तों को वैराग्य प्रधान। सभी सुन लिव सिंपल लाइफ, भालू ना खाए भालू ना पूरी, हम सिर्फ फिस्टे खाए जा रहे, ठीक है खा सकते आप थोड़ा फिश, लेकिन सिर्फ फिश खा रहे और सो रहे और रात को 10 बजे जब करिए क्या तरीके, तब तो फिर हम लोग एक मेटलिस्टिक जो होते वैसे बन गए। दिस कॉल एज पायस मेटलिस्ट, दे गो टू टेम्पल इंजॉय कृष्णा बस, कि बढ़िया प्रसाद है, बढ़िया फैसिलिटी, खाओ पियो सुतो। फिर मुझे इतना चाप क्यों लेने का, मुझे नाचो गाओ आनंद दे। आप इतना आपका क्लास सुन के तो हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते, पूरी बाकी क्लास में तो बोलते हैं बस खाना है, नाचना है, गाना है, और आपका क्लास में तो ऐसा सुनाते हैं आपको लगता है कि बाप रे बाप मेरा तो इस जन्म में कुछ होगा नहीं। अब बीजू जी बोलते अरे महापू वहाँ है गोलों का धन लेके, और फिर बाद में बोलते हैं कुछ नहीं होगा तेरा, ये वो इनफिनिटी कॉम्प्लेक्स में डाल देता है। तो क्या करे लेकिन फैक्ट है, झूठ नहीं बोल रहे, महापू
आपको रियली प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा. इट्स नॉट चीप थिंग बिकॉज वी सी इन इस्कॉन सो मेनी पीपल कम एंड देयर इज नो गुड ऑर्गेनाइजेशन लाइक इस्कॉन. मोस्ट ऑफ जगह तो कोई प्रॉपर गोल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब गोल है. समझ रहे हैं? इस्कॉन में गोल तो ठीक है लेकिन पीपल का साध्य तो ठीक है क्या प्राप्त कर, लेकिन साधना सही से नहीं करते लोग. इसीलिए कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 8 साल और गायब हो जाता है. पुराना भक्त जल्दी नहीं मिलता कोई, सब थोड़ा दिन बाद नौटंकी करता है, माया पकड़ के उसको साइड कर देता है. वाई? कृष्णा को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है. कोई कृष्णा को एक्सपीरियंस दे रहा तो कैसे छोड़ देगा भक्ति? लाखों लोग प्रोग्राम में आते थे, टेंपल में ऐसा भीड़ था कि मतलब समझ रहे काचा काच, समझ रहे प्रसाद शायद 1,500 लोग फुल प्रसाद लिए और पता मतलब पास तो शायद बहुत लोग लिया. कथा में कितना लोग था सुबह? सुबह में 8 घंटा गला फाड़ा, कितना लोग था उसमें? अपना स्टूडेंट छोड़ के कितना लोग था? प्रभु जी में 2-4 लोग था और माता जी लोग भी अपना जो माता जी बाहर से आया था उसको छोड़ के 10-20 लोग. तो सही से कथा नहीं सुनते हैं तो फिर ज्यादा दिन भक्ति चलता है. फिर पूछते माला, माला कम हो गया, माला क्या हो गया है? कम हो गया. और प्रॉब्लम से पूजी घर में नहीं हो रहा है माला? Mere following rituals, external display of the rituals of bhakti will not give you real satisfaction. मैं कल उधर बात कर रहा था कुछ भक्त लोग रास्ते में, तो माता जी आगे मुझे बात कर रहा था. तब तक एक डिवोटी प्रभु जी जा रहे थे तो मेरे को देखते हैं हमेशा, तो बाइक रोकते हैं अपना प्रणाम करते हैं फिर जाते. रिस्पेक्ट है पूरा, बाइक रोकेगा उतरेगा पूरा प्रणाम करेगा. समझ रहे हैं? ऐसे भी बाइक से भी करके जा सकता है लेकिन बेस्ट दफ है प्रभु जी को प्रणाम करके जाएंगे. समझ रहे हैं? बहुत अच्छा है, रिचुअल्स फॉलो करने का फायदा है. आ गया मेरे पास, हम तो बार बार एक ही चीज बोलते हैं, कितना माला कर रहे हैं. समझ रहे हैं? तो बोलता है मंदिर जाते हैं प्रभु जी, मंदिर गए थे, परसों आपका कलेक्शन देख रहे थे सर, आए थे हम मंदिर, वो जब शादी वाले को आशीर्वाद दिए थे हम देखे बोले कल बिजी हो गए थे फिर, कल थोड़ा और माला कर रहा है, डोनेशन देते हैं मुझे. वो नैन पुआ थे हम उनको देते हैं हर साल. तो ये क्या तरीका है, डोनेशन देता तो माला नहीं करता. पिछले बार भी मिला था मैं से 1-2 महीने पहले, फिर बाइक में वॉइस में प्रसाद किनारे में था अंदर में, तो बाइक रोका फिर प्रणाम किया फिर मैं बोला. तो उस समय तो उसको किसी ने आज तक माला करने बोला ही नहीं था. 6 साल से वो मंदिर जा रहा है डोनेशन दे रहा है लेकिन माला करने कोई गीता पढ़ता है रखा हुआ है दिया था प्रभु जी दिया था रखा हुआ लेकिन तू पढ़ता. फिर मैं बोला अरे भाई 5 मिनट तो पढ़ो, कुछ 10 मिनट बताया उसके इम्पोर्टेंट. हाँ वो पढ़े. फिर कल मिला बोल जनवरी मास में किए थे भी बंद हो गया. भजन करना कोई मजाक नहीं है, आपके अंदर अलाउ नहीं करेंगे भजन का. इसलिए वी नीड एक्सटर्नल फोर्स सपोर्ट. इसलिए वॉइस में जो ट्रेनिंग मिला बहुत स्पेशल है. मोमेंट टू मोमेंट आपको कोई ट्रेन कर रहा है तो आपको अनर्थ निवृत्ति बहुत आसानी से ज़्यादा पता नहीं चलता है. आप खुद से घर हम लोग घर से रहकर भक्ति किए कुछ दिन, समझ रहे हैं? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको मॉनिटर करने वाला नहीं है, कुछ नहीं, आपको आप कुछ भी प्रॉब्लम से गुजर रहे कोई कुछ नहीं बोलेगा, माइंड कुछ भी बोले आप उसको डिसीजन लेने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. मतलब बहुत स्लोली सीखते ऐसा नहीं कि नहीं सीखते, अगर वैष्णव के प्रति रिस्पेक्टफुल है तो सीख जाए, बहुत स्लोली.
वॉइस में तो आपको 50 लोग मॉनिटर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बिना मांगे भी एडवाइस देते लोग कि अच्छा ये बचवा लगता है माया में।